क्या होता है जब किसी को हो जाता है कोरोना वायरस का संक्रमण। यह वायरस किस तरह शरीर पर हमला करता है, इसका इलाज किस तरह किया जाता है और क्यों कई ऐसे लोगों की इससे मौत हो जाती है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा होता है। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, ये सारे सवालों के जवाब आपको देगा। कोरोना का 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। ये वो 5 दिन होते हैं जब कोरोना ना तो कोई लक्षण दिखाता है और ना ही संक्रामक रहता है। इन 5 दिनों के बाद जब लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तब संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इंक्यूबेशन पीरियड किसी भी वायरस का वो वक्त होता है जब ये वायरस इंसान के शरीर में जम जाता है। शरीर के भीतर जाने के बाद ये वायरस इंसान के लिए सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है। इसका पहला हमला आपके गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है, इसके बाद सांस की नली और फेफड़ों पर हमला करता है। यहाँ ये एक तरह की कोरोना वायरस फैक्ट्रियां बनाता है, यानी यहाँ अपनी संख्या बढ़ाता है। नए कोरोना वायरस बाकी कोशिकाओं पर हमले में लग जाते हैं। शुरुआती दौर में आप बीमार महसूस नहीं करते, हालांकि कुछ लोगों में संक्रमण के शुरुआती वक्त से ही लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी लोगों में अलग अलग हो सकता है, औसतन ये 5 दिन का होता है। अधिकतर लोगों में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो मामूली होते हैं। कहा जा सकता है कि संक्रमित लोगों में से 10 में से 8 में लक्षण बेहद मामूली होते हैं और ये लक्षण बुखार और खांसी होते हैं, बदन दर्द, गले में खराश और सिर दर्द भी हो सकता है। आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। आपका शरीर वायरस को एक विदेशी हमलावर की तरह देखता है और पूरे शरीर को संकेत देता है कि शरीर पर हमला हुआ है। इसके बाद वो वायरस को खत्म करने के लिए साइटोकाइन नाम का केमिकल छोड़ना शुरू करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति पूरे जोर से हमले का जवाब देने में जुट जाती है और इस कारण आपको बदन दर्द और बुखार भी हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली खांसी अमूमन सूखी खांसी होती है जिसमें बलगम नहीं आता, लेकिन कभी कभी ये मामला खराश तक भी सीमित हो सकता है। कुछ लोगों को खांसी में बलगम भी आ सकता है। ऐसे मामलों में बलगम में फेफड़ों की वो मृत कोशिकाएं भी होती हैं जो वायरस के कारण नष्ट हो जाती हैं। इन लक्षणों में अक्सर डॉक्टर आपको आराम करने, खूब सारा पानी पीने और पैरासीटामोल लेने के लिए कहता है। इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती। यह स्थिति करीब 1 सप्ताह तक रहती है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने में कामयाब हो जाता है उनका स्वास्थ्य 1 सप्ताह के भीतर सुधरने लगता है, लेकिन कुछ मामलों में व्यक्ति का स्वास्थ्य और बिगड़ता है। COVID-19 के गंभीर लक्षण दिखने लगते हैं। अब तक COVID-19 के बारे में जो जानकारी सामने आई है उससे अब तक ये पता चला है, लेकिन हाल में कुछ अध्ययन सामने आए हैं जिनका कहना है कि इस बीमारी में नाक बहने जैसे सर्दी जुकाम के लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। अगर बीमारी बढ़ जाए तो इसके कई कारण होते हैं। पहला ये कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वायरस को खत्म करने के लिए जरूरत से अधिक काम करती है। इस दौरान जो केमिकल बनते हैं वो पूरे शरीर को संकेत देते हैं जिससे शरीर सूजने लगता है। कभी कभी इस सूजन के कारण शरीर को गंभीर क्षति पहुंचती है। वायरस के कारण रोग प्रतिरोधक तंत्र का संतुलन बिगड़ता है और सूजन दिखनी शुरू हो जाती है। हम अब तक ये नहीं जान पाए हैं कि वायरस कैसे ये काम करता है। फेफड़ों की इसी सूजन को निमोनिया कहा जाता है। अगर ये वायरस आपके मुंह से होते हुए आपकी सांस की नली में प्रवेश करता है और फिर आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो आपके फेफड़ों को छोटे छोटे एयर सैक्स में बदल देता है। इंसान के फेफड़े शरीर में वो जगह है जहां से ऑक्सीजन शरीर में पहुंचनी शुरू हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकलती है। लेकिन कोरोना के बनाए छोटे छोटे एयर सैक्स में पानी जमने लगता है, यानी कि फेफड़ों में, और इस कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है और आप लंबी सांस नहीं ले पाते। ऐसे स्टेज में मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। चीन में 56,000 संक्रमित लोगों के बारे में एकत्र की गई जानकारी पर आधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अध्ययन बताता है कि 14% लोगों में संक्रमण के इस तरह के गंभीर लक्षण देखे गए। बताया जाता है कि 6% लोग इस वायरस के कारण बेहद गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इस स्टेज में इंसान का शरीर वायरस के सामने हार जाता है और गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। इस स्टेज पर फेफड़े का फेल होना, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेलियर जैसी चीजें, यानी कि मौत के जोखिम तक हो सकती है। इस स्तर पर रोग प्रतिरोधक शक्ति काबू से बाहर हो जाती है और शरीर को गंभीर क्षति पहुंचाती है। फेफड़ों में सूजन के कारण शरीर को जरूरत के मुताबिक
ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसका सीधा असर किडनी पर पड़ सकता है जो खून साफ करने का काम करती है, वो काम करना बंद कर सकती है। साथ ही आपकी अतड़ियां भी प्रभावित हो सकती हैं। वायरस के कारण शरीर की सूजन इतनी बढ़ जाती है कि शरीर के कई ऑर्गन फेल हो सकते हैं जिससे इंसान मर सकता है। इस स्टेज पर इलाज के लिए ECMO यानी कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तरह के कृत्रिम फेफड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो शरीर के भीतर का खून बाहर निकाल कर उसे ऑक्सीजनेट करके वापस शरीर में डाल देते हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह इलाज कारगर ही होगा। कोरोना वायरस आपके आंखों, नाक के रास्ते, चेहरे के रास्ते, मुंह के रास्ते, आपके हाथों के रास्ते आपके शरीर में एंटर कर सकता है। इसीलिए सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, फेस सैनिटाइजेशन को बहुत ज्यादा महत्व दीजिए। कोरोना वायरस से संक्रमित जो शख्स होता है वो जब छींकता है और खांसता है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो फुहारा निकलता है सलाइवा का उसके गले से, उसके मुंह से फोर्सफुल खांसी या छींकने की वजह से, वो आपको संक्रमित कर सकता है। और अगर वो किसी सतह पर गिरे जैसे कि लकड़ी या फिर स्टील, तो वो वहाँ पर कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक रह सकता है। और उन वस्तुओं को अगर आप छू लेते हैं और फिर आप उनको छुए हुए हाथों से अपने मुंह या आँख या नाक तक टच कर लेते हैं तो आपको संक्रमण होने का खतरा बेहद बढ़ जाता है। लकड़ी पर जब ये छींटे पड़ते हैं, ड्रॉपलेट्स जो पड़ते हैं कोरोना के, तो ये कुछ घंटों तक के लिए एक्टिव रहते हैं, लेकिन स्टील पर पड़ने के बाद ये पूरे दो दिन तक एक्टिव रहते हैं। आपको बता दें यह भ्रांति फैल रही है कि गर्मियों का असर पड़ने वाला है कोरोना पर। कोरोना वायरस पर गर्मियों का कोई असर नहीं पड़ सकता क्योंकि ये वायरस 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर भी जीवित रह सकता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर इतना टेम्परेचर कभी भी डेवलप नहीं हो सकता और ना ही ऐसा वातावरण हो सकता है। इसीलिए कोरोना ठंडे देशों में भी पाया जा रहा है और गर्म देशों में भी पाया जा रहा है, तो गर्मी का इस पर से कोई असर नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो रहे हैं, जो किसी सतह पर गिरकर हो रहे हैं, फर्ज कीजिए कि कोरोना संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है और उसका ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, जो इन्फेक्शियस जो लार के कण गले से निकलने वाले जो छोटे कण होते हैं, वो गिरकर किसी सतह पर गिर जाते हैं, जैसे लकड़ी, फर्श या किसी भी सतह पर गिर जाते हैं, तो गर्मी के दिनों में ये वाष्प बनकर जल्दी उड़ जाएंगे। ये कह सकते हैं कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में थोड़ी ना थोड़ी कमी तो जरूर आएगी, लेकिन कोरोना वायरस पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ता। बचाव का सिर्फ एक तरीका है, अपने आप को आइसोलेटेड रखें, अपने आप को जितना हो सके लोगों से दूरी बनाकर रखिए, 1 मीटर का डिस्टेंस रखिए, कभी भी मास्क ना उतारें किसी अन्य व्यक्ति से मिलते वक्त। इससे ही आप अपने आप को बचा सकते हैं। बचाव ही कोरोना का इलाज है और कुछ नहीं। अगर कोरोना आपको हो जाता है तो घबराइए नहीं, आप सेफ हैं। 100 में से केवल 1.4% लोगों की मृत्यु होती है और उनमें भी वो लोग होते हैं जो या तो छोटे बच्चे होते हैं जिनका प्रतिरोधक क्षमता अभी डेवलप नहीं हुआ है, या तो वो ओल्ड एज लोग होते हैं जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी है। और एक बात बता दे रहे हैं आपको, जो ऑलरेडी किसी बड़ी टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे हैं, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें हार्ट डिसीज़ है, वैसे लोग कोरोना होने पर ज़्यादा चांसेस हैं कि उन्हें जान का जोखिम होगा। तो दोस्तों, इस बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। हाथ धोएं, बार बार धोएं, हाथों से फेस को ना छुएं, ना आँखों को छुएं, ना नाक को छुएं, ना चेहरे को छुएं, ना मुंह को छुएं। किसी भी तरीके से हाथों और चेहरे के बीच डिस्टेंस मेंटेन करें। ऐसी जगह पर ना जाएं जो छींकने खांसने वाले लोग जहां होते हैं, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस, ऐसी जगहों से दूरी बना कर रखें। बाहर का खाना ना खाएं, बाहर के यूटेंसिल्स ना यूज़ करें। अपने आप को सेफ रखें, देश को बचाएं कोरोना से, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और बताएं कि किस तरीके से कोरोना इंसानी शरीर को तबाह करता है। अभी शेयर करिए वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। आपसे विनती है कि इस वीडियो को डाउनलोड करके नहीं, बल्कि इस वीडियो के ऊपर जो शेयर बटन है उसे दबाकर शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ताकि आपका सपोर्ट सीधा इस पेज तक पहुंचे और ऐसे ही जानकारी प्रद वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंच सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।